Good morning, children. Today I am back with a new chapter from the book Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Midnight Visitor, written by Robert Hutter. This chapter is a very good example that in adverse situation we need to use our common sense, which could help us come out from all difficult situations. Bachcho, आज का चैप्टर द मिडनाइट विजिटर एक ऐसे डिटेक्टिव ऑसिबल की कहानी है जो अपने दिमाग से चलते अपनी बुद्धिमानी से एक मुश्किल परेशानी से बाहर आ रहा है। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर। ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन। ऑसिबल फाउलर के हिसाब से किसी भी तरीके से एक सीक्रेट एजेंट, एक गुप्तचर नहीं लगता था। फाउलर एक ऑसिबल एक गुप्तचर है। फाउलर एक युवा लेखक है जो गुप्तचर के जीवन पर कुछ लिखना चाहता है, इसलिए आज वो ऑसिबल के साथ है। पूरे दिन उसके साथ रहा। तंग गलियों में, अंधेरी गलियों से निकलते हुए वो एक ऐसे कमरे में पहुँचता है जो कि बहुत एक छोटा सा कमरा है, छठे मंजमाले पे है और सबसे ऊंचे है, सबसे ऊंचे टॉप फ्लोर पे है। और उस वो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि गुप्तचर रोमांचकारी कार्य करता होगा। गुप्तचर मतलब पॉसिबल गुप्तचर था। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैक्ट, वेरी फैक्ट, एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट। ऑसिबल जो गुप्तचर है वो बहुत मोटा था। एक गुप्तचर मोटे कैसे होंगे, ऐसा फाउलर का सोचना है। और फिर उसका बोलने का ढंग, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago। वो थोड़ी थोड़ी फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था, लेकिन फिर भी वो अमेरिकन भाषा जो कि वो अपने साथ पेरिस लाया था बोस्टन से 20 साल पहले, उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। यानी वो अमेरिकन भाषा अब भी बोलता था, थोड़ी बहुत जर्मन और फ्रेंच भी बोल देता था। इंस्टेड ही हैड स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आई ब्यूटीज गेट्स ओनली अ प्रोजैक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। तो पॉसिबल फाउलर ने कहता है कि तुम पूरे शाम तुमने बहुत ही नीरस तरीके से गुजारी एक फ्रांसी म्यूजिक हॉल में बैठ के, जहाँ पे तुम्हें मोटे से आदमी, मोटा सा आदमी कौन है, पॉसिबल खुद, तुमने सोचा था वहाँ पे कुछ सुंदरियाँ काले जिनका रंग थोड़ा गाढ़ा होगा, काले रंग की युवतियाँ होंगी जिनके खूबसूरत नयन होंगे और खूब वो मेरे हाथ में चुपचाप मैसेज देंगी जैसा कि अधिकतर हम लोग फिल्मों में देखते हैं। और लेकिन मेरे पास एक साधारण सा फोन कॉल आया आज, तो ये तुम्हें देख के बहुत खराब लगा होगा। ये पॉसिबल फाउलर से कह रहा है, क्योंकि हम लोग जब मानते हैं कि किसी का जीवन गुप्तचर का जीवन मानते हैं कि कोई आया चुपचाप, उसको किसी सुंदरी ने उसको एक संदेश दिया, उसने पीछा किया, गोलियों की आवाज़, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ आज। यू हैव बीन बोर्ड, तो आज तो तुम बोर हो गए हो। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर। इस तरह से वो धीरे धीरे अब मुस्कुरा, फैट मैन चकल वो धीरे से मुस्कुराया। फैट मैन कौन है, पॉसिबल। और जब उसने अपना कमरे का दरवाजा खोला, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और थोड़ा सा दरवाजा खोल के किनारे हो गया ताकि उसका निराश हुआ, जो बहुत इरिटेट हो रहा था, चिड़चिड़ाया हुआ गेस्ट, उसका गेस्ट कौन है, उसका गेस्ट है फाउलर जो कि एक लेखक है, वो अभी अंदर आ जाए। यू आर डिसइल्यूजन्ड, पॉसिबल टोल्ड हिम, तुम थोड़ा भ्रमित हो रहे हो, पॉसिबल ने उससे कहा, फाउलर से, भ्रमित, तुम भ्रम में हो अभी, बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मेन एंड वेमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ। उसने कहा परेशान मत हो मेरे युवा दोस्त, पॉसिबल फाउलर से कह रहा, बहुत जल्दी तुम एक ऐसा कागज देखोगे जिस बहुत ही महत्वपूर्ण कागज है वो, जिसके लिए बहुत से युवक और युवतियाँ अपनी
ने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। आओ मेरे साथ। Someday soon that paper may well affect the course of history. और आगे कुछ दिनों बाद हो सकता है ये पेपर इतिहास को ही बदल दे, इतिहास पे बहुत ज्यादा असर डाल सकता है। In that thought is drama is there not? इस विचार में नाटक है, क्यों है कि नहीं है? ऐसा ऑसिबल ने फाउलर से कहा। As he spoke, ऑसिबल closed the door behind him. Then he switched on the light. ऐसा कहते ही ऑसिबल ने दरवाजा बंद किया और बत्ती जगाई। As the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. जैसे ही दर कमरे में लाइट जली, फाउलर ने अपने दिन का पहला वास्तविक थ्रिल, रोमांच देखा। वो रोमांच क्या था? For halfway across the room, a small automatic pistol in his hands stood a man. कमरे में आधे दूरी पे बीच को बीच कमरे में एक आदमी अपने हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। अब रोमांच क्या था? कमरा बंद था, उसकी चाबी ऑसिबल के पास है, उसके बावजूद एक आदमी कमरे के अंदर पहले से मौजूद है, अपने हाथ में पिस्तौल लिए। यह फाउलर के लिए बहुत आश्चर्य था, ऑसिबल के लिए नहीं था। ऑसिबल ऐसी चीजें तो बहुत, क्योंकि वो गुप्तचर था, स्पाई था, डिटेक्टिव था, तो ये सारी चीजें उसके लिए बहुत कॉमन थी। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट, ऑसिबल ने अपनी पलकें झपकाई। मैक्स इवीज्ड, यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, उसने कहा। मैक्स, मैक्स उस आदमी का नाम था जो अंदर था, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने तो मुझे बिल्कुल चौंका दिया था। I thought you were in Berlin. मुझे लगा तुम बर्लिन में होगे। बर्लिन था जर्मनी की राजधानी। What are you doing here in my room? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ऐसा ऑसिबल ने मैक्स से पूछा। अब तीन लोग हो गए हैं कमरे में, मैक्स जो कि बंद दरवाजे से अंदर बैठा था, फाउलर जो ऑसिबल के साथ था उसके पूरी दिन की दिनचर्या लिखने के लिए, गुप्तचर की कहानी लिखने के लिए, और ऑसिबल जो गुप्तचर था। मैक्स वॉज अ स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल। मैक्स दुबला पतला, ज्यादा लंबा नहीं, विद फीचर दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉग, जिसके चेहरे से लोमड़ी की शक्ल का वास होता था। मीन्स वो बहुत चलाक होगा, कुटिल होगा। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेंसी, और उसके पास अगर उसकी पिस्तौल हटा दी जाए तो वो कहीं से डरावना नहीं लग रहा था, जिसको देख के डरा जाए, जिसको देख के समझा जाए कि ये एक जासूस है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, वो बुदबुदाया, मुझे रिपोर्ट चाहिए। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माय हैंड्स देन इन योर्स। उसने कहा मैं रिपोर्ट के लिए आया हूँ और मैं समझता हूँ मैं तुमसे वो रिपोर्ट ले लूंगा, अब वो मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित रहेगी तुम्हारे हाथों की अपेक्षा। ऐसा मैक्स ने उससे कहा। मैक्स भी एक जासूस ही है। ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्मचेयर सैट डाउन हैवीली, ऑसिबल एक आर्मचेयर मीन आराम कुर्सी की तरफ पड़ता है और उस पर जोर से बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल्स विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, मैं इस समस्या को, ऑसिबल कह रहा है, प्रबंधकों के सामने उठाने जा रहा हूं और तुम चाहो तो शर्त लगा सकते, ऐसा ऑसिबल कह रहा है। अब वो किससे कह रहा है? वो मैक्स से भी कह सकता है, वो फाउलर से भी कह सकता है, वो अपने आप ही खुद बता रहा है। क्या समस्या है? ही सेड ग्रिमली, वो बड़ी गंभीरता से बोल रहा था। अब यहाँ पे इस कहानी का एक शानदार मोड़ है। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी, ये इस महीने में दूसरी बात है कि कोई मेरे कमरे में चुपचाप इस तरह से चला आया केवल उस छज्जे की वजह से। फाउलर आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फाउलर ने तुरंत कमरे में मौजूद एक एकमात्र खिड़की की तरफ देखा। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, वो एक साधारण खिड़की थी। अगेन दिस नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके बाहर रात तेजी से फैल रही थी। बैल्कनी, मैक्स सेड विद अ राइज इन इन्फेक्शन, मैक्स जैसे ही बालकनी का नाम सुना, जैसे ही छज्जे का नाम सुना, मैक्स बड़ा उत्सुक हुआ और उसने तुरंत पूछा, नो आई हैड अ पास की, नहीं नहीं मेरे पास तो गुप्त चाबी थी जिसको खोल के मैं अंदर आया था, कमरा बंद था, चाबी ऑसिबल के पास थी। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपा, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो छज्जे के विषय में कुछ नहीं पता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता तो मैं उस छज्जे से आ जाता, मैं इतनी मेहनत क्यों करता।
इट्स नॉट अ माय बैल्कनी. ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन. ऑसिबल ने बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए, इरिटेट होते हुए कहा, वो मेरा छज्जा नहीं है, मेरी बैल्कनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. वो बगल वाले अपार्टमेंट की का छज्जा है, बैल्कनी है. ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर. उसने समझाने के तरीके से समझाते हुए फाउलर की तरफ देखा. यू सी, तुम देखो. ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी लार्ज पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी अ लिविंग रूम. ये कमरा एक बड़े यूनिट का हिस्सा था और जो बगल का कमरा है, जो एक दरवाजे से निकल कर आप पहुंचेंगे, वो शयन सोने का कमरा है. इट हैड द बैल्कनी. उसमें बैल्कनी थी, उसका उसमें छज्जा था. विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो. ना, वो बालकनी इतनी बड़ी है कि मेरे कमरे के विंडो, मेरे कमरे की खिड़की है, उसके नीचे तक आती है. यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन. दो दरवाजे पार करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं. एंड समबडी डिड लास्ट इट. और पिछले दिनों ही कुछ किसी ने ऐसा किया, उस कमरे से निकल के उस छज्जे पे आया और खिड़की से मेरे कमरे में आ गया. द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट. मैनेजमेंट प्रबंधकों ने मुझसे कहा था कि उसको बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया. ये मैक्स, ये ऑसिबल उसको बता रहा है, फाउलर को, जो कि मैक्स भी सुन रहा है. मैक्स को ये अफसोस है कि उसने इतनी मेहनत करी, गुप्त चाबी से, मास्टर की से दरवाजा खोला. उसको मालूम होता कि यहाँ पे एक खिड़की है, छज्जा है, तो उसे चढ़ के आ जाता. मैक्स ग्लैंस एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर. मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा, जो कि मैक्स बहुत ज्यादा दूर नहीं खड़ा था ऑसिबल से, और वो अपने अपनी पिस्तौल हिलाते हुए आदेश देते हुए आदेशमत तरीके से कहा, सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाए. वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर. हमें आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा. ये मैक्स ने ऑसिबल और फाउलर से कहा. 31 मिनट, पॉसिबल सेड मूडली. नहीं, 30 नहीं, 31 मिनट, पॉसिबल ने थोड़े मजाकिया अंदाज में उसको जवाब दिया. द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30. अपॉइंटमेंट जो था मिलने का समय, वो 12:30 का था. आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक. मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ, पॉसिबल ने मैक से कहा, कि तुम उस रिपोर्ट के विषय में कैसे पता चला. द लिटिल स्पाई स्माइल इवनली. लिटिल स्पाई, वो लिटिल स्पाई क्यों कहा गया? लिटिल स्पाई इसलिए कहा गया कि वो जासूस था और उसकी जो हाइट थी वो ज्यादा नहीं थी. एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट. और मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली. बट नो हार्म हैज बीन डन. लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ है, ये मैट पॉसिबल से कह रहा है. आई विल गेट इट बैक टुनाइट. मुझे आज रात में वो रिपोर्ट मिली जाएगी. वॉट इज दैट, हु इज एट द डोर. अचानक वो चौंकता है. मैट्स कहता है, देखो दरवाजे पे कौन है. फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर. और फाउलर भी अचानक उछल के खड़ा हो जाता है, दरवाजे पे कोई बराबर खटखटा रहा था. ऑसिबल वॉज ऑसिबल जस्ट स्माइल. ऑसिबल मुस्कुराता है. दैट विल बी द पुलिस, ही सेड. बाहर पुलिस होगी, उसने कहा. आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर As the one we are waiting for should have a little extra protection. मैंने सोचा कि जो ये एक कागज आने वाला, जो रिपोर्ट आने वाली है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और पुलिस की सुरक्षा जरूर होनी चाहिए. ऐसा ऑसिबल ने मैक्स से कहा. I told them to check on me to make sure everything was all right. और मैंने पुलिस वालों से कहा था कि वो आके मुझे देखें, ध्यान रखें, ताकि हर चीज सही है उनको पता चले. Max bit his lip nervously. The knocking was repeated. Max ने अपने होंठ काट लिए. बहुत ही वो निराश हो गया, नर्वस हो गया. दरवाजा बराबर कोई खटखटा रहा था. What will you do now, Max? Possible asked. अब तुम क्या करोगे, Max? Possible ने Max से पूछा. If I do not answer the door, they will enter anyway. अगर मैं दरवाजे पे खटखटाने वाले को जवाब नहीं दूंगा, तो किसी भी तरीके से अंदर आएंगे, तो पुलिस है. The door is unlocked. दरवाजा बंद नहीं है, ताला नहीं लगा होते. And they will not hesitate to shoot. अब वो तुम्हें गोली मारते हुए जरा भी हेजिटेट नहीं करेंगे, संकोच नहीं करेंगे. Max's face was black with anger as he backed swiftly toward the window. Max का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था, वो खिड़की की तरफ वापस गया. He swung a leg over the sill. उसने खिड़की के बाहर एक पैर निकाला.
सेंड देम अवे, ही वॉन्ट, उनको वापस भेजो, उसने उसको चेतावनी दी मैक्स ने पॉसिबल को. आई विल वेट ऑन द बैल्कनी, मैं छज्जे पे इंतजार करूंगा. सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांस, अगर तुम उनको वापस नहीं भेजा तो मैं गोली चला दूंगा, मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा. नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड द वॉइस वाज रेज, दरवाजे पे खटखटाने की आवाज बढ़ती जा रही थी और बाहर से आवाज है मिस्टर ऑसिबल मिस्टर ऑसिबल, यानी कि जो खटखटा रहा था बाहर से उसकी आवाज है मिस्टर ऑसिबल मिस्टर ऑसिबल. कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, अपने शरीर को मोड़ते हुए मैक्स ने इस तरह से मोड़ा ताकि जो उसकी बंदूक है वो फैट मैन मतलब पॉसिबल मोटा व्यक्ति और उसका गेस्ट फाउलर जो कि एक लेखक था. द मैन एट द विंडो ग्रैब्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और जो विंडो पे था मैक्स, उसने विंडो की ग्रिल जो उसका जंगला था उसको पकड़ा और अपने हाथ को थोड़ा फ्री किया ताकि वो सपोर्ट कर सके. देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो से, फिर उसने अपना दूसरा पैर भी पीछे किया और बाहर निकल गया. द डोर नॉक टर्न, दरवाजे का जो हैंडल था वो घूमा. मैक्स पुश्ड हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी, मैक्स ने अपना दाया अपना लेफ्ट हाथ भी छोड़ा और बैल्कनी पे कूद गया. एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम वंस रिली, और जैसे वो कूदा एक जोर से चीखने की आवाज आई. द डोर ओपन एंड अ वेटर देयर विद अ ट्रे एंड अ बॉटल एंड टू ग्लासेस, जैसे दरवाजा खुला बाहर से किसी ने हैंडल मोड़ा था, दरवाजा खुला अंदर आता है वेटर जो अपने साथ एक ट्रे में एक बोतल और दो ग्लास लेके आया था. हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, और आपके कहता है ये वो ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर की थी जब आप वापस आए थे, वो ऑसिबल से कहता ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, ये कहते हुए उसने टेबल पे मेज पे वो ट्रे रख दी. डेफ्टी अनकॉक द बॉटल, जल्दी से उसने बॉटल का ढक्कन हटाया और कमरे से बाहर चला गया. वाइट फेस एंड शेकिंग फाउलर स्टार्टेड आफ्टर हिम, जैसे ही वो गया तो फाउलर का चेहरा तो डर के मारे सफेद हो गया था, बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, और वो हकलाते हुए बोला पुलिस भाई, ऐसा ही उसने कहा था पॉसिबल ने मैक्स से की बार पुलिस है. देर वॉज नो पुलिस पॉसिबल साइड, पॉसिबल ने सांस लेते हुए कहा कि बाहर कोई पुलिस नहीं थी. हेनरी था, हेनरी वो वेटर का नाम था whom I was expecting, जिसको मैं इंतजार कर रहा था. But won't that man out of the balcony fowler again, लेकिन जो आदमी वही छज्जे पे है क्या वो वापस आकर हम लोग को गोली नहीं मार देगा. छज्जे पे कौन है, छज्जे पे मैक्स है, ऐसा फाउलर ने कहा. नो सर पॉसिबल ही वोंट रिटर्न, पॉसिबल ने कहा वो लौटेगा नहीं. You see my young friend, there is no balcony. मेरे युवा दोस्त देखो वहाँ पे कोई बालकनी. इसका मतलब पॉसिबल ने मैक्स को बेवकूफ बनाया था और कहा था कि खिड़की के आगे एक छज्जा है बैल्कनी है, और उसने कहानी उसी समय गढ़ी थी जिस समय उसने देखा था मैक्स कमरे में आया था, ताकि ऐसी और उसको बाहर मालूम भी था पुलिस नहीं है वेटर है, और याद रखिए वो जासूस था, उसका दिमाग बहुत तेज चलता था, उसने पूरी कहानी बनाई. जैसे ही दरवाजे पर नॉकिंग की आवाज हुई उसको मालूम था वेटर है, लेकिन उसने मैक्स से कहा कि बाहर पुलिस है. मैक्स ने सोचा कि वो जो बाहर बैल्कनी है छज्जे पे उतर जाएगा और वापस आके वो महत्वपूर्ण कागज ले लेगा. पॉसिबल ने एक खेल खेला, अगर वो सफल हो जाता तो अच्छा था, नहीं हो जाता तो शायद वो अपने प्लान बी पे काम करता. उसको मालूम था बाहर बैल्कनी नहीं है, उसने तुरंत पॉसिबल जैसे ही मैक्स जैसे ही बाहर निकलता है और कूदता है कि उसके पैर बैल्कनी को टच करेंगे छुएंगे, वो नीचे सड़क पर गिरता है और उसका अंत हो जाता है. इस तरह से अपनी बुद्धिमानी से अपनी इंटेलिजेंस से ऑसिबल ने अपने को तो बचाया, अपने गेस्ट को बचाया, और आखिर में फाउलर को एक जिसका वो तलाश था जो रोमांस की तलाश थी वो रोमांस उसको मिला. उसने देखा कि स्पाय वैसे ही नहीं होते हैं कि गोली चलाते हैं और क्लब्स में जाते हैं, तो स्पाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, मुश्किल से सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं. थैंक यू.